कृषि भारत की आर्थिक समृद्धि की नींव। सदियों से देश के अन्नदाताओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका परिणाम है कि आज कृषि अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे और मजबूती देने हेतु किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, और समृद्ध किसान समृद्ध राज्य के उनके इसी मंत्र को विविध योजनाओं द्वारा साकार कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। तभी तो आज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन, फसल के विस्तार एवं उत्पादन के आकलन के लिए GIS के उपयोग जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। कृषि महोत्सव और एग्रो बिजनेस पॉलिसी के माध्यम से किसानों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य, डेयरी उद्योग एवं मत्स्य पालन एवं मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज गुजरात कपास, एरंड, जीरा, सौंफ, मूंगफली और चीकू जैसे उत्पादों में देश में अग्रसर है। साथ ही कमलम, स्ट्रॉबेरी, अनार, काजू और खजूर की खेती कर गुजरात बागवानी में भी मिसाल कायम कर रहा है, क्योंकि गुजरात के किसानों को किफायती दामों पर मिल रहे हैं उच्च गुणवत्ता वाले बीज, और किसानों को रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए वितरण प्रणाली की मजबूत संरचना तैयार की गई। किसानों को मिली है 0% ब्याज पर लोन। अब उचित मूल्य मिलने तक किसान अपने कृषि उत्पाद संभाल कर रख सकें, ऐसी व्यवस्था है। फसल का परिवहन तेज हुआ है। सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ी है। फल और सब्जी बेचने वाले छोटे व्यापारियों को मिली है कृषि उत्पादों के खराब होने से मुक्ति। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। किसान खुद ही अपने खेत में जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशक बनाते भी हैं और उपयोग भी करते हैं। और हाँ, अब किसानों को सुअर और नीलगाय से अपनी फसल को बचाने हेतु रात को जागना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुजरात का डांग जिला बना है पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करने वाला जिला। जितना ध्यान कृषि पर केंद्रित किया जा रहा है, उतना ही महत्व दिया जा रहा है पशुपालन को। तभी तो एक फोन कॉल करने पर पशु दवाखाना गांव तक आता है। शहरों में पशुओं के घायल होने पर इमरजेंसी में तुरंत ही पशु एम्बुलेंस पहुंच जाती है, और राज्य में सरकारी स्थायी पशु चिकित्सा संस्थान पर लागू की गई है मुख्यमंत्री निशुल्क पशु चिकित्सा उपचार योजना, जहां पशुओं की निशुल्क चिकित्सा एवं उपचार होता है। पशु संवर्धन के लिए पाटन स्थित फ्रोजन सीमेंट स्टेशन में राज्य की पर्याप्त जरूरत के मुताबिक सीमेंट डोज का उत्पादन किया जाता है। यहां तक कि अब तो पशुओं के बच्चे नर होंगे या मादा, ये भी तय करना संभव हुआ है। साथ ही राज्य में हर साल 4,500 से ज्यादा पशु स्वास्थ्य मेलों में पशुओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा और हर छोटे बड़े पशु का निशुल्क टीकाकरण किया जाता है, जिसके कारण पिछले 2 दशक में गुजरात के दूध उत्पादन में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तभी तो दूध उत्पादन में भी गुजरात ने अपना अग्रिम स्थान कायम रखा है। यही तो कारण है कि आज गुजरात के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि मत्स्य उद्योग भी गुजरात की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए मछुआरों को फाइबर रोप से लेकर फिशिंग बोट के नए इंजन खरीदने तक सहायता, और मत्स्य उद्योग का विस्तार बढ़ाने हेतु फिश प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी सहायता देती है गुजरात सरकार। अब जितना ध्यान कृषि उत्पादन पर दिया जाता है, उतना ही महत्व दिया जाता है कृषि व्यापार को भी। तभी तो फूड प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग यूनिट्स, ऑन फार्म पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चैम्बर्स, कूलिंग यूनिट्स, पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं विकसित की गई है, जो कृषि आधारित विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी, और हमारा गुजरात बनेगा आत्मनिर्भर किसानों द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात।